सिर्फ एक धर्मशाला और संत निवास नहीं है। मैं यह विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि आने वाले कल में यह पूरे हिंदुस्तान का ज्ञान तीर्थ के रूप में तब्दील होगा, यह मेरा पूरा विश्वास है। हम सबके लिए गर्व और गौरव का विषय है। वैसे तो हमारा यह पूरा परिक्षेत्र जैन मतावलियों के लिए बहुत ही गौरव का क्षेत्र रहा है। ग्वालियर से दतिया की ओर चले जाओ तो सोनागिरी, मुरैना से अम्बा की तरफ चले जाओ तो सिहोनिया, और ग्वालियर के कोमलकालीन किले में अगर आप भीतर घुसकर देखोगे तो मुझे लगता है भगवान की जितनी मूर्तियां एक स्थान पर ग्वालियर के किले में दिखेंगी शायद ही किसी और स्थान पर दिखाई देती हैं। लेकिन इन सब स्थानों में जब चंबल के आंचल में ज्ञान सागर जी महाराज के प्रेरणा से ये ज्ञान तीर्थ बनने जा रहा है, यहाँ आदिनाथ भगवान की प्रतिमा काफी योग्य हाथों से बनकर यहाँ स्थापित हुई, पंच कल्याण महोत्सव चल रहा है, आदिनाथ भगवान और अन्य भगवान की मूर्तियां, इसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। जब यह कार्यक्रम पूरा होगा तो यहाँ पर भगवान की मूर्ति नहीं होगी, साक्षात भगवान ही विराजमान होंगे, ऐसा हम सबका विश्वास होना चाहिए। और पंच कल्याण महोत्सव के बाद यह तीर्थ पूरे देश का तीर्थ बनने जा रहा है और इसका लाभ मुरैना के सांचल के लोगों को भी मिलेगा, जो मंदिर में आकर आदिनाथ भगवान के चरणों में मत्था टेकेंगे, अपनी मन्नत मानेंगे, भगवान आशीर्वाद देकर उनको समृद्धि भी देंगे और उनको सफलता भी देंगे। और हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं, जब कोई बड़ा स्थान किसी भी जगह बनता है तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलता है। तो यह ज्ञान तीर्थ आध्यात्म की गंगा भी बहाएगा और लोगों को आर्थिक रूप से भी संपन्न करेगा। मैं इस अवसर पर आदिनाथ भगवान के चरणों में शीश झुकाता हूं, प्रणाम करता हूं और आज पंच कल्याण महोत्सव के अवसर पर हमारे विनीत सागर जी महाराज पधारे हैं, ये सागर जी महाराज पधारे हैं, स्वर्ग विभूषण माता जी यहाँ पधारी हैं, मैं उन सब साधु संतों के चरणों में शीश झुकाकर चंबल की जनता की ओर से बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। इस कार्यक्रम में जैन समाज के लोगों ने अपने परिवार के एक सदस्य के नाते मुझे आमंत्रित किया और इस महोत्सव में साक्षी बनने का जो अवसर उपलब्ध कराया उसके लिए आयोजित बंधुओं को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।